राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग अभियान शुरू किया, जिसमें डॉक्टर्स ने लोगों की स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट किया। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव आए लोगों को डॉक्टर्स ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भोपाल विभाग के संचालक डॉक्टर राजेश सेठी ने बताया कि इस समय देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में समाज को अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। हमने अपने स्वयंसेवकों को स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग का प्रशिक्षण दिलवाया है। स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के बाद लोगों को सलाह दी जा रही है कि उन्हें घर पर ही एकांत में रहना है या फिर वे समाज द्वारा संचालित किसी क्वारंटीन सेंटर अस्पताल जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि संघ स्वयंसेवक अभी इन क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का काम करेंगे जहां संक्रमण अधिक नहीं फैला है, ताकि वहां संक्रमितों की पहचान करके कोरोना संक्रमणों को और अधिक फैलने से रोका जा सके। डॉक्टर सिद्धि ने बताया कि भोपाल में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में संघ को समाज का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले दिन आकृति ग्रीन में स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग की गई, जिसमें हमीदिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर माधव बंसल एवं टीम ने सहयोग किया। इस मौके पर संघ के स्वयं सेवकों को ऑक्सीजन और पल्स की रीडिंग लेने के साथ ही रैपिड टेस्ट के लिए सैंपलिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया। जैसा सबको विदित है, इस समय कोरोना का संक्रमण जो है वो इस पूरे देश में पूर्णतः छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि समाज को उठकर भी इस समय अपना कुछ दायित्व निभाने का कुछ कर्तव्य बनता है। इसी उद्देश्य से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय किया और स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की फैसिलिटी लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे ये संक्रमण की चेन को कहीं ना कहीं रोका जाए। हमारे स्वयंसेवक इस कार्य के लिए रोड पर उतरे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन एवं अगर किसी को कोविड केयर की व्यवस्था की आवश्यकता ऐसी उनको संपूर्ण ट्रेनिंग देकर के उनको रोड पर उतारा गया है। इस दौरान भोपाल विभाग के सह बौद्धिक प्रमुख नीरज पांडे ने बताया कि भोपाल में संघ की ओर से अनेक प्रकार के सेवा एवं सहायता कार्यों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, हेल्पलाइन सेंटर, प्लाज्मा एवं रक्तदान और भोजन वितरण के कार्य शामिल हैं। संघ के स्वयंसेवक प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं। अस्पतालों में भी मरीजों और अन्य परिजनों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भोपाल विभाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो ये अपनी कोरोना महामारी के समय इस समय बहुत अधिक संख्या में महामारी फैली हुई थी, उसमें संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई प्रकार के कार्य चल रहे हैं, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके और जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनकी अच्छे से देखभाल की जा सके और वो स्वस्थ हो सकें। इसमें कई तरह के कार्य हो रहे हैं, जैसे कि जो मरीज संक्रमित हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके लिए बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। भारी स्तर पर ऑक्सीजन उनको उपलब्ध हो सके, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही वहाँ भी कार्यकर्ता हर स्तर पर कार्य करके उनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।